भारतीय कुश्ती महासंघ और रेसलर्स के बीच का विवाद का समाधान अब तक निकल नहीं पाया है। बीते रात खेल मंत्री से रेसलर्स की करीब 4 घंटे तक मुलाकात हुई, लेकिन इस मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसे में दिल्ली के जंतर मंतर पर रेसलर्स का धरना जारी रह सकता है। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और कुछ कोच पर महिला रेसलर्स ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि दोषियों को सजा नहीं मिलती है तो धरने पर बैठे रहेंगे। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ से इन आरोपों पर 72 घंटे में जवाब मांगा है और इसकी मियाद 21 जनवरी यानी कल रात को खत्म हो रही है। इसी बीच भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा कि एथलीट अपनी चिंताओं को आईओए के सामने रखें, आईओए उन्हें न्याय दिलाने के लिए पूरी जांच सुनिश्चित करेगा। वहीं कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण चरण सिंह और पहलवानों के बीच दंगल जारी है। पिछले 2 दिनों से धरने पर बैठे पहलवानों के आरोपों को लेकर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी गंभीर नजर आए। बीते रात उन्होंने पहलवानों को बातचीत के लिए बुलाया। रात 10 बजे से शुरू होकर बैठक आधी रात तक चली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हम खिलाड़ी हैं, हम देश के लिए लड़ सकते हैं तो अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। अभी नहीं तो जो कोचिज होते हैं वो खुद लड़कियों का शोषण करते हैं और फिर अध्यक्ष जी उनके साथ में शोषण करते हैं। यहाँ पे जो लोग लड़कियाँ बैठी हैं उसमें से 1-2 लड़की के साथ भी ये घटना हुई है। हम चाहते हैं कि उनका इस्तीफा लीजिए और उन पे कार्रवाई की जाए। अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम पुलिस का सहारा भी लेंगे, केस का सहारा भी लेंगे। हम पूरी रेसलिंग फेडरेशन का को भंग करवाना चाहते हैं। दुनिया भर के धुरंधरों को धूल चटा देने वाले इन पदक वीरों के गम, गुस्से और बेबसी की तस्वीरें पूरा देश देख रहा है। खेल मंत्रालय हरकत में है, कुश्ती फेडरेशन को नोटिस भेजकर 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। खुद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने चंडीगढ़ से लौटते ही बीती रात पहलवानों को अपने सरकारी आवास पर बुलाया। कई गाड़ियों में सवार होकर पहलवान करीब रात 10 बजे 22 अकबर रोड पहुंचे। इनमें विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया, रवि दहिया और बबीता फोगाट भी शामिल थे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के सामने पहलवानों ने WFI अध्यक्ष के खिलाफ आरोपों का पिटारा खोल दिया। ये मुलाकात करीब 4 घंटे तक चली। रात 1:45 बजे के आसपास बातचीत खत्म हुई, जिसके बाद गाड़ियों में सवार होकर पहलवान अपने अपने घर की तरफ निकले। 22 अकबर रोड जो कि केंद्रीय मंत्री खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का घर है, जो कि चंडीगढ़ से यहाँ पहुंचे करीब 10 बजे के आसपास, उसके बाद में एक के बाद एक जो खिलाड़ी भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, लगातार उन पर आरोप लगाए जा रहे थे और उसके बाद उनके इस्तीफे की मांग की जा रही थी और उसी मांगों को लेकर के जो खेल मंत्री हैं उन्होंने ही इन सभी खिलाड़ियों को अपने पास बुलाया, उनकी सारी बातें सुनी। इससे पहले खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने WFI पर लगे आरोपों को गंभीर बताया था और कहा था इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए वो गंभीर किस्म के हैं और उसका संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने, खेल मंत्रालय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को नोटिस भी दिया, 72 घंटे के अंदर जवाब भी मांगा है और इसके अलावा जो कैंप लगना था उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है ताकि उनकी बात को सुन भी सकें और जो उचित कार्रवाई होगी वो भी करेंगे। कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ मोर्चा खोले पहलवान गुरुवार को भी दिल्ली के जंतर मंतर पर डटे रहे। पहलवानों ने मौन व्रत रखा और साफ कर दिया कि जब तक WFI अध्यक्ष इस्तीफा नहीं देते तब तक धरना चलता रहेगा। बात उनके इस्तीफे का नहीं हो रही है, इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। अगर हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। हम चाहते हैं कि उनका इस्तीफा लीजिए और उन पे कार्रवाई की जाए। बस यही है कि जांच होनी चाहिए और हम गृहमंत्री सर के पास जाएंगे और फिर अपना पूरी डिटेल्स बताएंगे। WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए। बहुत सारे लड़कियों के साथ कुछ कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है जो हम कल से आगे हो जाओ। तो लड़कियों ने जो हौसला दिखाया, मैं चाहती हूँ कि और भी जो बाकी लड़के हैं वो हौसला दिखाए, डरने की किसी से जरूरत नहीं है। पहलवान अंशु मलिक ने आरोप लगाया कि एक विदेश दौरे पर WFI अध्यक्ष ने होटल में महिला खिलाड़ियों के कमरे के ठीक सामने अपना कमरा लिया था, जो कि नियमों के खिलाफ है।
महिला खिलाड़ियों के रूम थे, उन्हीं के रूम के सामने उन्होंने रूम लिया। मेरे को खुद जूनियर खिलाड़ियों ने बताया है कि वो रूम हमेशा अपना ओपन रखते थे जबकि उनके सामने महिला खिलाड़ियां रहती थी। ऐसा लगता है कि खेल मंत्रालय फिलहाल कुश्ती फेडरेशन के जवाब का इंतजार कर रहा है। जवाब आने के बाद ही WFI और अध्यक्ष बृजभूषण सिंह का भविष्य तय होगा। किरण चोपड़ा के साथ नीरज गौड़, जी मीडिया, दिल्ली।